अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस्टरडे वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, सो टुडे वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ दो पार्ट कराऊंगी, बाकी आप करेंगे खुद। ओके, पहले आपको इक्वल्स टू लगा लेना है। आपने फर्स्ट डिजिट लिखा 2, आगे काउंट किए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 आपको क्या लगाने हैं आगे, जीरोस। ये हो गया 2 का। अब आगे कौन सा है, 4। हमेशा आगे वाला देखेंगे, जो पीछे निकल गया उससे कोई मतलब नहीं। तो 4 के आगे अब देखें हम, तो 10 3 की जगह, अब 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब कौन सी वैल्यू है, 3 लिखा आपने। अब आगे देखें तो कितने जीरोस बचे, 3 + 2 = 5, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब देखिए प्लस लगाना जरूरी है, प्लस लगाते हुए चलेंगे। 3 तक हो गए हमारे पास, अब क्या वैल्यू है, 4। तो जल्दी से यहाँ पे 4 लिखा, 4 के बाद हमारे पास था 5, 5 की जगह 0 लिख दिया, 1 2 3 1 2 3, ये भी हो गया। 3 हो गया, 4 हो गया, आपको किसकी बारी है, 5 की। तो कितने, 1 2 3, बस जीरोस लगाते जाने हैं आपको, बाकी आगे वाले डिजिट्स की जगह। अब कौन सी है वैल्यू, 8। तो 8 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 2। फिर 9 की बारी, एक ही लगेगा, फिर प्लस 2, क्योंकि 2 के आगे कुछ भी नहीं, तो सिर्फ 2। तब तक चलना है जब तक हम एंड तक ना पहुंच जाए। तो देखिए इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, डिजिट बाय डिजिट आप लिखते जाएं उसके आगे कितने जीरोस आएंगे। और अगर आप ध्यान दें तो पहले वाले में देखिए कितने आए हैं, 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, रिड्यूस होता हुआ चलेगा ये। अगर आप चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं बाद में। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट और देख लेते हैं इसका। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है। जल्दी से सबसे पहले क्या उतारेंगे हम, फर्स्ट डिजिट हमने उतारी, आगे देखा हमारे पास 2078 की जगह, फिर 2092 की जगह, फिर 831 की जगह 30। चलिए आगे बढ़े, 78 की जगह 0, फिर 92 की जगह 0, फिर 831 की जगह 0। फिर आगे बढ़े, 7 हो गया, अब किसी बारी है, 8 की, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर आगे बढ़े, 8 तक हो गया हमारा, आप किसी बारी है, 9 की, 1 2 3 4। आप किसकी बारी, 2 की, 1 2 3। अब किसकी, 8, 2 जीरोस, फिर 30 और फिर प्लस 1। बहुत इजी, होप ये इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा किसी तरीके का। अब ये जो दो पार्ट है आपके, ये होमवर्क है, मैं एक बार दिखा देती हूँ, तो इस पे पॉज करके आप इन्हें उतार लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 7s। आपको डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू के बीच में, कौन सी प्लेस वैल्यू, 7 की। 2 7 दे रखे हैं एक नंबर में, इन द नंबर, और नंबर आपके पास ये है, ठीक है। इसमें आपको 2 7 दे रखे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों 7 की प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करके आपको आंसर बताना है। तो पहले वाले 7 की अगर हम बात करें और दूसरे वाले की बात करें, तो ये कौन सी प्लेस पर है, 1s, और ये कौन सी प्लेस पर है। अगर आप देखें तो ये कौन सा है, इंडियन सिस्टम है, तो 1s के अंदर कौन से आते थे, 1s 10s 100, फिर 1s के बाद क्या आता था, 1000, तो ये क्या हो गया, 1000 10000। फिर कौन सा आता था, लाख, तो ये क्या हो गया, लाख 10 लाख, 1000 लाख। तो ये कौन से लाख के अंडर आ रहा है, यानी कौन सा वाला लाख आ रहा है, ये 10 लाख में आ रहा है, तो यानी 70 लाख। अब ये सब ध्यान नहीं देना है आपको, आपको क्या करना है, सिर्फ इतना देखना है कि 7 को आपने पहले एक्सपैंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे, वही प्लेस वैल्यू होती है जो अभी आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराई थी, वो सारे हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यूज थी, कि हमने सिर्फ डिजिट उतारा, उसके आगे वाले भी हमने क्या लगा दिया, जीरोस। चलिए अब देखते हैं, प्लेस वैल्यूज तो सबको आती होंगी, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी। तो
तो अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ फॉर सेवन। पहले वाले सेवन की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, सेवन हमने लिख दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। अब हम लिखें प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड सेवन, यानी दूसरे सेवन की प्लेस वैल्यू की हम बात करें तो इसकी कितनी है, सिर्फ सेवन ही है। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस जब भी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू लगाइएगा, ओके। हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो पहले हमने ये वाला लिखा और फिर ये, अब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो आप जो है साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ऊपर नीचे रख करके दिखा देती हूँ जैसे क्लास में हम लोग करते हैं हमेशा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, इतने जीरोस थे इसमें। और एक और नीचे हमें क्या लिखना है, अब सेवन क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट, ये जीरो है तो इसे हमें पहले कैरी लेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा नाइन, ये भी नाइन, ये भी नाइन, नाइन नाइन एंड दिस वन बिकम टेन, और ये क्या हो जाएगा सिक्स। होप इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये नाइन कैसे बना, ये टेन कैसे बना। हमने इससे ये जीरो है सारे, ये सब एक दूसरे को नहीं दे सकते, तो हमने किससे लिया, इससे लिया, इससे लिया, तो इसके पास क्या बचा सिक्स, इसने इसे दिया तो ये हो गया टेन। अब ये टेन ने इसे दिया, इस टेन ने इसे दिया तो इसके पास क्या बचा नाइन, फिर इसने इसे दिया तो ये हुआ टेन, फिर इसने इसे दे दिया तो ये फिर बचा नाइन। ऐसे ही ये सारे नाइन 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 ही बचेंगे, लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा इंशाल्लाह। आप देखिए टेन माइनस सेवन हमारे पास कितना आया थ्री, ये कितना आया नाइन, फिर ये नाइन, फिर ये वाला नाइन, फिर ये नाइन, फिर ये नाइन, और ये क्या बचा सिक्स। टेन माइनस सेवन इज थ्री, फिर काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, एक भी नाइन आपका मिस ना हो जाए। तो हमारा डिफरेंस निकाल के हमारे पास क्या वैल्यू आई है, कितने नाइन आए हमारे पास फाइव, और लास्ट में क्या आया हमारे पास थ्री। तो हमारे पास ये सिस्टम कौन सा दे रखा था, इंडियन, तो हमको हम अभी इंडियन के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। वन टू थ्री वन टू सिक्सटी नाइन और 99 और 993, 69,99,993, ओके। एक बार पूरा ये देख लीजिए ताकि पॉज करके आप आराम से लिख सके, होप सबको विजिबल है। जहाँ पे लाइट पड़ रही है वैल्यू ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेवन एंड सेकंड सेवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो। जितना भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें, कोई भी कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए किसी के भी दिमाग में, ओके। सब्ट्रैक्शन सबको ही आता होगा, नहीं आता है तो डू मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।